छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दूसरे राज्यों में कांग्रेस को मजबूती देने चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। बुधवार को पूर्व सीएम भूपेश बघेल ओडिशा में चुनावी रैलियां और रोड शो कर कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान भूपेश बघेल ने ओडिशा के कालाहांडी में आम सभा को संबोधित कर लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि लोगों में भारी उत्साह है, ओडिशा में परिवर्तन की आंधी दिख रही है। जनता जान चुकी है कि बीजेपी और बीजेडी एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए कांग्रेस का यहां दबदबा है और यहां कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी। आज कोरापुट और कालाहांडी दोनों लोकसभा में कार्यक्रम था और कालाहांडी में दो जगह कार्यक्रम था और दोनों जगह जबरदस्त रिस्पॉन्स और कोरापुट में तो जबरदस्त रैली है, हजारों लोग थे उसमें, भारी उत्साह लोगों में है। परिवर्तन की आंधी मैं कह सकता हूं, इस समय जबरदस्त उड़ीसा में बदलाव की स्थिति दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही बात है कि अब क्योंकि जनता जान चुकी है कि बीजेपी और बीजेपी दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, इलेक्शन लड़ भर लेते हैं लेकिन इलेक्शन के बाद दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, तो इसलिए उड़ीसा की जनता जान चुकी है, सच्चाई उनके नजर में आ चुके, अब उसको कोई बरगला नहीं सकता। इसलिए कांग्रेस है वो अपर हैंड में, कांग्रेस सरकार